दोस्तों, मेरे एक फ्रेंड ने इस इलेक्ट्रिक चूल्हे को बनाया है और इस इलेक्ट्रिक चूल्हे को बनाने के बाद दो तीन दिक्कतें देखने को मिल रहा था, क्योंकि इस चूल्हे के अंदर एक मोटर भी लगाया हुआ है और जब इसके अंदर कोई भी चीज़ हम लोग तैयार करता हूँ उस समय इसका जो स्पीड है, यानी कि जो यहाँ पर आग जलती है तो आग बहुत ही तेज़ी के साथ बाहर निकल आती है, क्योंकि इसके अंदर जो मोटर लगा हुआ है, इस मोटर का जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो मेरे जो फ्रेंड है, दो तीन कंट्रोलर को लगा के देखा तो भी इसका जो मोटर है उस कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो इस चूल्हे के अंदर से अच्छे से जो एक्सपीरियंस है वो हमें देखने को नहीं मिल पा रहा था। तो मेरे पास मेरे फ्रेंड ने आके बोला कि कोई ऐसा सॉल्यूशन तेरे पास है तो मुझे बता कि हम कैसे इस मोटर को कंट्रोल करके इसके अंदर जो आग है वो आग अपने हिसाब से निकल सकूँ और जो भी हम तैयार करना चाहता हूँ फूड वगैरह वो बहुत ही अच्छे से को तैयार कर पाऊँ, उसका जो आग का जो तेज है उसको कम या ज़्यादा करके। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सबसे पहले इस मोटर का जो स्पीड है, इस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया था जो नॉर्मली सीलिंग फ़ैन आते हैं, उस सीलिंग फ़ैन का जो रेगुलेटर है उसको इस्तेमाल किया था सबसे पहले, तो भी वो अच्छे से काम नहीं किया था। उसके बाद दूसरा, जो हमारा इमरजेंसी लाइट आते हैं, इमरजेंसी लाइट के अंदर एक नॉब मिल जाती है जो कि वो भी रेगुलेटर होता है, लेकिन उसको लगाने के बाद भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था, एक दो दिन चलने के बाद काम नहीं कर रहा था। तो मेरे पास आने के बाद जब इस प्रॉब्लम को मेरे को बताया तो मैंने इसके पीछे की रीज़न देखा कि इसका जो कंट्रोलर है वो अच्छे क्वालिटी का कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी, जो स्पीड कंट्रोलर है PWM स्पीड कंट्रोलर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा वाला मोटर लगा हुआ है, आप यहाँ पे देखिए। और मैंने पिछले वीडियो के अंदर एक इस मोटर का स्पीड कंट्रोलर बनाया था, उसके अंदर जो है मोटर जो है बहुत ही छोटा साइज़ का था, लेकिन इसके अंदर आप मोटर का साइज़ भी देख रहेंगे और शाफ्ट भी देख रहेंगे कितना मोटा सा शाफ्ट इसके अंदर लगा हुआ है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर जो पंखा लगा हुआ है वो लोहे का पंखा लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए लोहे का पंखा। तो इसको घुमाने के लिए हमें ज़्यादा क्या करंट या एम्पेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए जब मेरे पास मेरे लैब पर इस चूल्ही को लेकर आया हूँ तो मैंने देखा कि इसके अंदर अगर हम एक अच्छे क्वालिटी का 40-50 एम्पेयर का PWM स्पीड मोटर कंट्रोलर लगा देंगे तो अच्छे से काम करेगा। तो इसी चीज़ को करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने गया easyedia.com के ऊपर और easyedia.com के ऊपर जाने के बाद में इस सेम टू सेम डायग्राम को मैंने वहाँ पे ड्रा करा और उस डायग्राम को मैंने एक PCB में कन्वर्ट करा, जो कि आप देख सकते हो। और इसका PCB का जो 3D लुक है आप यहाँ पर देख सकते हो, यह है इसका 3D लुक। और ये जो PCB मैंने डिज़ाइन करा हूँ, इस PCB को प्रिंट करवाने के लिए मैंने गया JLC PCB पर। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस वीडियो को भी स्पॉन्सर किया है JLC PCB ने। JLC PCB एक बहुत बड़ी कंपनी है, इस कंपनी में आपको प्रोटोटाइप PCB सर्विस भी मिल जाएंगे, SMT सर्विस भी मिल जाएंगे, उसके साथ ही साथ आपको 3D प्रिंटिंग सर्विस भी मिल जाएंगे। तो अगर आप 3D प्रिंटिंग, SMT असेंबली या कोई प्रोटोटाइप PCB प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप JLC PCB विजिट कर सकते हो। तो मैंने जो PCB डिज़ाइन करा था उस PCB का गर्वर फाइल डाउनलोड करके मैंने JLC PCB पर अपलोड कर दिया, और अपलोड करने के बाद उसका कलर, क्वांटिटी, थिकनेस सारे कुछ सिलेक्ट करने के बाद मैंने JLC PCB पर ऑर्डर कर दिया था, और ऑर्डर करने के 10 दिन के अंदर हमारे पास ये PCB आ चुका था। तो चलिए अब हम इसे PCB को असेंबल करता हूँ, और असेंबल करने के बाद
ये देखिए हमारा ये स्पीड कंट्रोलर PWM बन चुका है, PWM स्पीड कंट्रोलर जिसको बोला जाता है। और ये स्पीड कंट्रोलर मैक्सिमम 49 यानी कि 40 एम्पियर तक कोई भी मोटर को बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं पड़ेंगे। तो चलिए अब हम इस मोटर के जगह पे यानी कि ये जो हमारा चुल्ली है इलेक्ट्रिक चुल्ली के अंदर इसको लगा के दिखता हूँ कि हमारा ये चुल्ली के अंदर जो आग का जो बबूला है, आग का जो सीखा है, इसको कंट्रोल कर पाता है कि नहीं और ये किस तरीके से काम करेगा, सारे चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ये जो मोटर कंट्रोलर है, इस मोटर कंट्रोलर को इसके अंदर मैं डाल दूंगा और डालने से पहले मैं थोड़ा सा इसके अंदर कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने ये जो केस है इसके अंदर पहले से ही हमने जगह करके रखा था ताकि ये बहुत ही आसानी से इसके अंदर फिट हो जाए। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे नॉब है, देखिए इस नॉब के ज़रिए हम इस चुल्ली जो है, इस चुल्ली का जो आग का जो क्षमता है, ये इसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं इसका हवा का स्पीड को कंट्रोल करने के बाद। और हवा का स्पीड कैसे कंट्रोल होगा, जब हम इस मोटर का स्पीड को कंट्रोल करेंगे तब। और इसके अंदर पावर देने के लिए यहाँ पे देखिए इस साइड मैंने एक होल भी करके रखा हूँ, यहाँ से हमारा 12 वोल्ट इनपुट होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको और भी अच्छे से मैं फिक्स कर देता हूँ यहाँ पे, अभी जो है इस चीज़ को लगा दूंगा और उसके बाद ये बहुत ही अच्छे से ये काम करेगा। और ये मेरा जो फ्रेंड है दोस्तों, ये जुगाड़ टाइप का काम कर रहा है क्योंकि उनका ग्रिल बनाने का दुकान है, इसलिए इस तरह का चीज़ें जो वो करते रहते हैं अपने पहचान के लिए। और इस तरीके का चीज़ को करने में मज़ा आता है, इसलिए इस तरीके का चीज़ जो है करते रहता है। अब यहाँ पे देखिए नॉब के लिए इस चीज़ को बना के रखा था उसने, और ये बहुत ही आसानी से ये नॉब का काम भी हो चुका है और स्पीड भी कंट्रोल हो जाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर पावर दे के देखता हूँ कि यहाँ पे 12 वोल्ट हम सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए हम 12 वोल्ट सेट करता हूँ और 12 वोल्ट सेट हो गया। और अब मैं इसके अंदर पावर देता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर देने के लिए कॉर्ड दिया गया है, तो मैं इसके अंदर कॉर्ड दे दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं स्पीड को यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ और आपको देखिएगा कि इस जगह से कितना तेजी से जो है इसके अंदर कचरा वगैरह बाहर आएंगे। देखा दोस्तों आपने कि ये जो हमारा प्रॉब्लम था स्पीड कंट्रोलर का, ये प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स हो चुका है। और मेरा जो फ्रेंड है वो तो खुश जरूर होंगे मेरे इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया था लेकिन उसको दिक्कत आ रहा था इस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो वीडियो है, वीडियो बहुत ही पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर इसी प्रकार के वीडियोज़ को आगे आने वाले दिनों में आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आप दोस्तों किसी भी बड़े प्रोजेक्ट देखना चाहते हो हमारे इस चैनल पर, तो भी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि किस टाइप का प्रोजेक्ट आप इस चैनल पर देखना चाहते हो, ताकि हम लोग उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सारे फैमिली रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको इस स्पीड कंट्रोलर का सर्किट डायग्राम, कंपोनेंट्स और इसका गड़बड़ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाके आप जो है इनका सारे चीज़ डाउनलोड करके आप अपने घर बैठे इस PWM स्पीड कंट्रोलर बना सकते हो, जो कि 40 एम्पियर तक बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।